चाय पी रहे तो उसने बोला था कि ये रास्ता ही बचा, ये कब भेजे पता नहीं। ये देखो भाई साहब। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे चल गया। तो भाइयों जो आपको मैं दिखा रहा था पुल, ये वो मेन हाईवे जो बन रहा है पूरा भाई, बहुत प्यारा लग रहा है देखने में भी। तीसरा मैं आपको बताऊंगा, ये बेवकूफ इंसान, पागल से इंसान सामने आ गई है भाई, पूरा आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम यहाँ पिएंगे चाय और ये नज़ारे देखेंगे साथ में, तो ना प्यारा लग रहा है यार। ये है हमारा रूम और आपको सामने के नज़ारे भी दिखाता हूँ। हेलो एवरीवन, सो फाइनली हम इस बार जा रहे हैं मसूरी, तो ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे क्योंकि बारिश का मौसम है। ये दिल्ली का मौसम है पूरा, आप देख सकते हो दिल्ली बादल हो रहा है, पहाड़ों पर ज़्यादा मिलेगा, तो ज़्यादा अपर रेंज में जा रहे, लोअर माउंटेन रेंज में जा रहे ताकि हम इजीली घूम भी सकें और आपको कुछ नई चीज़ भी दिखाने वाले हैं। आज पता नहीं हमारा क्या प्लान है, पहले तो मसूरी जाएंगे, देखेंगे रूम लेंगे। और वो खड़ी मेरी प्यारी धन्नो, गंदी पड़ी है बट ठीक है, अभी अभी साफ कराई थी फिर गंदी हो गई, चलेगा। तो हम निकलते हैं थोड़ी देर में, और भाइयों वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, चैनल को आगे बढ़ाओ यार। जब तक चैनल को आगे नहीं बढ़ाओगे मैं ज़्यादा आगे वीडियो नहीं बना पाऊँगा। सो प्यार दीजिए बहुत सारा और आगे आपको मिलते हैं भाई। फुल करना है, फुल फुल। चलो अपने धन्नो की अपनी पहली टंकी हम फुल करवाते हैं ट्रिप के लिए, और ये हो गया स्टार्ट। ठीक है भाई, कर दो स्टार्ट। अभी चल रहा है 87.75 यार, सही हो गया है। कल मैंने परसों देख रहा था, कल था 88 के आसपास रेट चल रहा था, सही रेट हो गया यार, और सस्ता हो जाएगा तो और मजा आ जाएगी। तो धन्नो मैंने कर लिया साफ, देख सकते हो साफ कर दी थोड़ी, और अभी निकलते आगे। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, आप देख ही सकते हो भाई। टोल पे आ गए तो हमारे फास्टैग लगवाया हमने, SBI का लगवाया है, देखते हैं इसका उद्घाटन कैसे होता है, चलता है नहीं चलता, क्योंकि इसके जितने भी रिव्यूज़ पड़े हैं ना अभी तक सारे ख़राब गए। लेट्स सी, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अगर काम कर गया बढ़िया, नहीं करा तो यार प्रॉब्लम हो जाएगी। लेट्स सी। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे चल गया, चल गया SBI का फास्टैग, चल गया। तो रिव्यूज आपको पहले ही मिल गया, ठीक है, तो अब हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं आगे। तो भाइयों अभी हम थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वॉशरूम जाना है, ठीक है, तो ब्रेक वही हुआ। और यहाँ पे हम हमेशा यहीं पे रुकते हैं, मतलब जब भी मैं देहरादून जाता हूँ या मसूरी जाता हूँ सबसे पहला हमारा स्टॉप यही होता है। आपको 0.6 मिल जाता हूँ, यहाँ पे आप आ सकते हो, खाना भी अच्छा है यहाँ पे। एक ये है और एक आगे भी है थोड़ा सा, और यहाँ से थोड़ा सीधा जाओगे उस तरफ रास्ता है आगे तरफ, थोड़ा उधर भी मिल जाएगा, और यहाँ हमारा रुकना होता है, और एक आगे है वहाँ भी हम रुकते हैं, वहाँ पे मैकडी है शायद, हाँ मैकडी भी है, यहाँ पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे कॉफ़ी बहुत चीज़ें, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा सब मिल जाता है। और थोड़ा जाते हैं अंदर होके आते, आ जा। अरे यार ये इतना टाइम में क्या क्या कर लेते हैं हम। ये देखो भाइयों गिफ्ट शॉप अच्छा है, मस्त मस्त लगाया हुआ है इसमें यार, ये तो ग्लासेस, डेकोरेशंस, होम डेकोर, देख ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, जहाँ जीते जहाँ हम जो होम डेकोर का सारा सामान है इसके पास, हैंडीक्राफ्ट शॉप, बढ़िया बढ़िया है। बेचता भी है, बिकने वाला भी है। चलो भैया अंदर चलते, धूप हो गया, बड़ी गंदी धूप हो रही है, बादल में निकले थे, मतलब मौसम इतना प्यारा हो रहा था, धूप निकलते सारा खराब कर दिया। बारिश पड़ रही है, कोई बारिश नहीं पड़ी। भाइयों जो आपको मैं दिखा रहा था पुल, ये वो मेन हाईवे जो बन रहा है पूरा भाई, बहुत प्यारा लग रहा है देखने में भी। सबसे अच्छी बात है भाई, आसानी हो जाएगी,
इजीली देहरादून पहुँच रहे हैं, अदरवाइज बहुत टाइम लगता है यहाँ पे, बहुत प्यार लग रहा है। तो ये पूरा मतलब दो दो लेन वाला पूरा बनाया है, एक साइड पे और साइड भी, और उसके नीचे नदी है, मतलब नदी के ऊपर ही बनाया है। यहाँ पे वैसे नदी सूखी रहती है, वैसे ज़्यादा कहते हैं कि नदी ऊपर कुछ बनाना ही चाहिए, कब बाढ़ आ जाए कुछ पता नहीं, पर ठीक है। यहाँ पे मैं जितना देखा कि मैं यहाँ 2 साल रहा हूँ देहरादून में, तो इतना यहाँ पे सूखा ही रहा है। जैसे ऊपर पहाड़ों में बारिश हो रही तो यहाँ पे थोड़ा पानी आया है, अदरवाइज तो ये सूखा ही रहता, सेफ रहता है। अभी तक तो मैं नहीं देखा भाई, बट वही है ना, कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। सामने बिल्कुल गजब का मौसम हो रहा है भाई, मतलब एक नंबर। मसूरी हम जाएंगे तो ये भाई मज़ा आ जाएगा, मतलब मौसम में। एक तो एक बादलों के बीच में चलते हैं मसूरी जब जाएंगे, तो मौसम तो अच्छा मिलेगा भाई। ये तो मुझे पता था कि यार देखो, पता है क्या है, मैं ना मसूरी बहुत घुमा हूँ, बहुत जा, क्योंकि मैं यहाँ पे देहरादून में 2 साल रहा हूँ। मेरा अपना खुद का काम था यहाँ पे, लॉकडाउन में वापस आ गया था मैं नोएडा, मतलब आपको पता ही है पहाड़ों का कितना शौकीन है, मैं कितना शौकीन हूँ तो पता ही सबको। तो फाइनली आज बहुत टाइम बाद, मतलब मैं आपको बताऊँ तो अक्टूबर में मैं लास्ट गया था केदारनाथ और बद्रीनाथ वाला ट्रिप किया था, उसके बाद आप कर रहा हूँ, चल रहा है महीना ही अगस्त चल रहा है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे। ऊपर जाने का प्लान था पहले, फिर दिखा यार बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हो रही है तो सेफ नहीं है, तो लोअर रेंज में हमने रखा है, ज़्यादा मिडल में नहीं गया, तो लोअर रेंज में हम यहीं जाएंगे, फिर हम प्लान करते हैं आगे। अभी के लिए तो यही चलता रहेगा, सो आगे देखते हैं कैसा मौसम रहा। बट जितना मुझे लग रहा है बादल देख के भाई, अच्छा खासा मौसम मिलने वाला है मसूरी में, और जहाँ हमने होटल लिया वो भी भाई एक नंबर, आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक चीज़ सही है, मैं आराम से काज चला रहता हूँ, ये हर बार का काम है, हर बार का, ये हर बार सोती रहती है बस, इसका काम ही यही है, जब भी गाड़ी में बैठेगी बस सोती रहेगी, और मेरा काम होगा सिर्फ कार चलाना। चल कितने मिल जा रही है, कोई और है नहीं तो मुझे चलानी है कार। तो भाई इसके तो मज़े है भाई, बढ़िया है, सो भाई आराम से सो, मज़े से सो, घोड़े बेच के सो। फाइनली देहरादून में हम एंटर कर चुके हैं, सो बहुत टाइम बाद लास्ट ईयर आया था, इसके बाद मैं अब आ रहा हूँ। हाँ, और यहाँ पे बारिश भी पड़ रही हो भाई, ऊपर मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है, क्या है, सोती रह तो सोती रहे, ऊपर देखो भाई एक नंबर मौसम भाई, बादल आप देख ही पा रहे हो कैमरा में, आई थिंक हाँ आ गए देहरादून पहुँच गए, मौसम देख, भूख लगी है तब अभी खाना खाएंगे बीच में, तो पहुँच गए बीच में कहीं रुक के खाना खाते हैं, फिर निकलेगा ऊपर मसूरी के लिए। बट मौसम आप देख रहे हो भाई एक नंबर मौसम हो रहा है। ये है मेरा फेवरेट, मतलब हमारा जब भी हम देहरादून में आते हैं दून दरबार में रुकते हैं, यहीं पे खाना खा के फिर सीधा निकलते हैं। मतलब आपको पता ही चल गया मेरा कहाँ कहाँ मेन मेन स्टॉप है, एक वो था जो हाईवे पे था, एक दूसरा ये है, और तीसरा मैं आपको बताऊँगा, ये बेवकूफ इंसान पागल से इंसान सामने आ गई है, तो तीसरा मैं आपको बताऊँ कहाँ हमारा स्टॉप है, वो भी बहुत अच्छा है, और फिर सीधा चौथा जो हमारा स्टॉप होगा वो होगा हमारा होटल। 3 स्टॉप आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ कहाँ रुकता हूँ मेन मेन, और आओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, मतलब खाना भी टेस्टी है, प्लस जहाँ मैं तीसरा स्टॉप होगा वो भी बहुत आपको पसंद आएगा। वो सामने देख रहे हो इतना बड़ा ट्रैफिक लगा था, अभी खुला है, और यहाँ हम फंसे पड़े, बहुत लंबा है, मतलब अगर 0.6 में करके दिखाऊँ आपको, वो दरवाज़ा खोलता हूँ, ये देखो भाई पूरा जाम लगा हुआ है, अभी धीरे धीरे चलना स्टार्ट होगा, बहुत देर से फंसे हुए हैं, और मौसम भी बड़ा प्यारा आ रहा है। हम सोचे थे वहाँ रुकेंगे, बिल्कुल साफ सामने देख लो ना वहाँ पे व्यू पॉइंट है, हो रहा रुक जाओ ये फोकस, हाँ हो रहा, तो वहाँ हमें जाना है, अगर टाइम हुआ तो जाएगी, अदरवाइज देखते हैं फिर वापसी में आएगी। बट मौसम बड़ा प्यार रहा है यहाँ का यार, ऐसा मौसम रहे तो मज़ा ना आ जाए। पहुँच गया अपने व्यू पॉइंट, ये है मेरा तीसरा
ठिकाना जहाँ मैं हमेशा रुकता हूँ जब भी देहरादून आता हूँ, यहाँ जाएंगे चाय पिएंगे। और जहाँ आप देख ही रहे हो तो हमने सोचा यहीं पर रुकते हैं, वैसे भी रुकना था तो कि चाय पिएंगे भाई, मौसम का लुत्फ़ उठाएंगे। आपको है ना नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ से भाई, इतना प्यारा दिखता है ना। टा 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 टा, ये देखो भाई लग रहा है ना एक नंबर भाई। पूरा आपको दिखाता हूँ यहाँ से, हम यहाँ पिएंगे चाय और ये नज़ारे देखेंगे साथ में भाई साहब, देख रहे हो ना मस्त एक नंबर। और ये है पूरा हमारा कैफ़े जहाँ से हम चाय पीने वाले हैं, और ये है पूरा वाइड एंगल भाई एक नंबर लग रहा है यार। लोगों ये देखो इतना प्यारा लग रहा है देखने में, वहाँ सामने आप देखोगे ना इधर ऐसा लग रहा किसी ने चादर उड़ा दी है फाइनली निकल गया, उड़ा दी है माउंटेन्स पर, ऐसा लग रहा है बिल्कुल भाई एक नंबर लग रहा है। और ऊपर से यहाँ देखो भाई ट्रैफिक बहुत लंबा, क्योंकि यहाँ पे ना एक लैंडस्लाइड हुआ, न्यूज़ में आपने सुना भी होगा। तो एक रास्ता बचा है अभी, जहाँ पे हमें ना चाय पी रहे थे वहाँ पे उस बंदे ने बोला कि भाई आप नीचे ले जाओ ऊपर मत जाओ, क्योंकि ये जो एक रास्ता थोड़ा सा बचा है ना ये भी शायद टूट गया है, फिर वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। फिर रास्ता एक होगा ढोलटीस होकर जाना पड़ेगा, वो ऋषिकेश होकर जाना पड़ेगा, वो बहुत लंबा पड़ जाएगा, जा तो रहे देखते हैं क्या रिस्क लेते हैं। तो भैया फाइनली निकल गए, अब देखते हैं कहाँ लैंडस्लाइड हुआ है, मतलब कहाँ से मतलब पूरी रास्ता खिसका है। ये देख लो लेफ्ट साइड में यही वाला है, हाँ यही वाला है, पूरे यहाँ पत्थर लगे हुए आई थिंक यही है या आगे वाला है पता नहीं, अभी तो पता चल जाएगा, बट अभी हम आगे चल रहे हैं। हाँ ये रहा, ये पूरा रास्ता है ना खिसक गया है, यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी पूरी, और रास्ता बह चुका है मतलब खिसक गया है, मतलब बह गया है रास्ता, जैसे पानी होता है ना वैसे बहता रहता है, वैसे रास्ते ही बह जाते हैं पहाड़ों पर। और आप ये कार्य प्रगति पर है, मतलब जहाँ चाय पी रहे तो उसने बोला था कि ये रास्ता बचा, ये कब भेजे पता नहीं। ये देखो भाई साहब कन्नू दिखाई जरा रास्ता भाई, ये देखो रास्ता, ये है रास्ता टूट रहा है, ये कुछ बन रहा है फाइनली हम निकल गए इस रास्ते से, अब हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब ये फंसे हुए हैं इस लेन वाले, जब हमारा क्लियर हो जाएगा देन इनकी बारी आएगी। भाई आपको ट्रैफिक ज़्यादा उतना लंबा है, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिए भाई साहब। ये देखो इतना प्यारा लग रहा है यार, मतलब है ना वीडियो में इतना यार अच्छे से मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँ जो मैं आँखों से अभी देख पा रहा हूँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मसूरी हम पहुँच चुके हैं, हम जा रहे हैं होटल पर, अभी कैंपटी फॉल की तरफ पड़ता है, मतलब कैंपटी फॉल के रास्ते पर पड़ता है बीच में। रूम दिखाता हूँ 0.6 में, ये है हमारा रूम, और आपको सामने के नज़ारे भी दिखाता हूँ कर्टेन ऑन करके। साहब खुल जा, उधर हो, और ये हम खोलते हैं
खुलता कैसे था? इधर से कुछ नहीं खुलता यार। पूछ उससे, लॉक तो नहीं है, चाबी कहाँ है? नहीं चाबी नहीं है इसमें। अच्छी बात बताइए, दीवार लगा दी इसने। क्या लगा दी? दीवार पे दीवार नहीं थी ना क्या? अरे ये वाओ, हम यहाँ बैठ के चाय कॉफी पी सकते हैं। इसकी चाय भी अच्छी है। ये देखो भाई साहब, ये हमारा बालकनी व्यू है और बारिश हो रही है। लास्ट टाइम आया था तब भी बारिश हो रही थी, बट कम था, बट मौसम भी अच्छा था। वो पता नहीं सामने कौन सा मंदिर है, पता नहीं होगा कोई से भी मुझे क्या पता। बट भाई ये है हमारा बालकनी व्यू। तो भाइयों रात हो गई है अभी, हमें भाई कुछ ही दिख रहा है यहाँ पे। सो डिनर के लिए अभी वो करने गया था, ऑर्डर करने गया था, डिनर कर दिया है क्योंकि इसका 10:30 बजे के बाद बंद हो जाएगा। अभी बज रहे हैं अराउंड 10 बज चुके हैं। तो पापा सब, मैं जा रहा हूँ रूम में और व्लॉग हम आज यहीं रखते हैं। बारिश बंद हो चुकी है। हाँ पता नहीं यार कल भी जा पाएगी कहीं नहीं जा पाएगी, ये भी नहीं पता। कल बद्रास टेम्पल का प्लान है वहाँ जाने का, बट कल ही पता चलेगा। अगर बारिश रुकी हुई तो जाएगी, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। तो व्लॉग यहीं रखते हैं, तब तक लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, बहुत सारा प्यार दीजिए। बाय बाय, तब तक।